वेदी गणित में व्यकलन या फिर बाकी कैसे करते हैं? सूत्र न्यूनयन पूरण के प्रयोग से। सूत्र न्यूनयन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, एकाधिक एन में हम एकाधिक लगा देते हैं, एकाधिक इसमें संख्या का हम न्यूनयन करते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ सात, सात के नीचे इस तरह का एक चिन्ह लगा हुआ होता है, उसे न्यून कहते हैं। इसका मतलब होता है 7 - 1 = 6। जिस तरह से यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर 7, इसके नीचे एक न्यून है तो इसका मतलब होगा 7 - 7। इस तरह का मतलब होता है न्यून। एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक, न्यूनयन का मतलब होता है कम। तो इस प्रकार से इस विधि का प्रयोग करते हैं। हम वही सवाल ले रहे हैं जो सूत्र एकाधिक द्वारा बाकी करते समय लिया था। सबसे पहले हमारे सामने संख्या दी गई 6 - 7, 6 में से 7 घटता नहीं, तो हम क्या करेंगे, 7 के परिमित रंग कितने 3, 7 के परिमित रंग में 6 जोड़ दें, कितने हो जाएंगे 9, यहाँ पर लिख देंगे 9। और पास वाली संख्या 5 के नीचे एक न्यूनयन लगा देंगे, यहाँ पर एक 5 के नीचे न्यूनयन लगने का मतलब हो गया 5 - 1 = 4। तो ऊपर कितने रहे 4, 4 में से 6 घटते नहीं, तो 6 का परिमित रंग है 4, 4 + 4 हो जाएंगे 8, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8। पास वाले संख्या 3 के नीचे एक न्यूनयन लगा देंगे, 3 - 1 = 2, 2 में से 4 घटता नहीं, 4 का परिमित रंग है 6, 6 × 2 = 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। पास वाले संख्या पर एक न्यूनयन लगा देंगे, यहाँ पर 0 है, 8 में से 1 न्यूनयन घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7, 7 में 0 घटता है तो पीछे बचते हैं 7। यहाँ पर न्यूनयन लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर परिमित अंक नहीं लिया, तो 9 - 7 = 2, ये सेम आपके आंसर प्राप्त हो गए। तो इस तरह से इस विधि का प्रयोग करके भी आप वेदी गणित में व्यकलन कर सकते हैं। इस विधि के बजाय सूत्र एकाधिकेन पूरण की विधि ज़्यादा प्रभावी रहती है। ये एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। हमारे सामने संख्या दी गई है 2 - 7, 2 में 7 घटते नहीं, तो 7 के परिमित रंग कितने होते हैं 3, 3 + 2 कर देंगे, 3 × 2 = 5, यहाँ पर लिख देंगे 5। पास वाली संख्या 8 के नीचे एक न्यूनयन लगा देंगे, 8 का मतलब अब हो गया 7, 7 - 9 नहीं होते हैं, 9 का परिमित रंग होता है 1, 1 और 7 हो जाएंगे 8, यहाँ पर लिख देंगे 8। पास वाली संख्या 7 के नीचे एक न्यूनयन लगा देंगे, 8 का परिमित रंग होता है 2, 2 और 6 हो जाएंगे 8, यहाँ पर लिख देंगे 8। पास वाली संख्या के नीचे एक न्यूनयन लगा देंगे, 4 में से 6 घटता नहीं है, 6 का परिमित रंग है 4, 4 × 4 = 8, पास वाली संख्या पर एक न्यूनयन लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 9 का मतलब 8, 8 - 5 पीछे बचेंगे 3। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सूत्र न्यूनयन पूरण द्वारा आप बाकी बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। इसके बजाय आप सूत्र एकाधिकेन विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि अधिकतर सवालों में वो विधि ज़्यादा प्रभावी रहती है।